हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्प में। तो दोस्तों, एनवीएस की तरफ से जो आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट निकली हुई है, जिसके तहत एनवीएस जेएसए की जो वैकेंसी निकली है, उसके लिए मैं आपके लिए बेस्ट बुक्स एंड बेस्ट टीचर या जो भी फ्री कंटेंट है वो क्या होने वाला है, बेस्ट बुक्स कौन से होंगे, बेस्ट टीचर कौन से होंगे, वो पूरा आपको डिटेल बताने वाला हूँ। और कौन कौन सी बुक्स थी जिनको पढ़ के मैंने पहले ही बार में जेएसए क्रैक किया था, जो पूरा कुछ आपको यहाँ पर डिटेल बताने वाला हूँ और किस तरीके से आपको पढ़ना है ये भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि वीडियो में क्या क्या मैं बताने वाला हूँ। और उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं और एमबीएस जेएसए या एमबीएस की ऑल अदर पोस्ट जो भी है, एमटीएस, एएसओ, ऑडिट असिस्टेंट, मैथ हेल्पर की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, किसी भी जो भी मेरी अपडेट्स आएगी वो आप मिस ना कर सकें। ठीक है, और सेकेंड चैनल जो है हमारा, जिसका नाम है आपका द एग्जाम हेल्पर जी के यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पर प्रीवियस ईयर वगैरह पेपर चल रहे हैं, वहाँ पर प्रिपरेशन भी आपको कराई जा रही है, तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एनबीएस जैसे के लिए बेस्ट बुक्स एंड बेस्ट टीचर क्या हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए, सबसे पहले देखिए एनबीएस जैसे के लिए बेस्ट बुक्स एंड बेस्ट टीचर बताने से पहले आपको उसका सिलेबस मालूम होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में क्या क्या हमसे पूछा जाने वाला है। ठीक है, अभी मैं केवल ये आपको एनबीएस जैसे के लिए बता रहा हूँ, इसके बाद आपके लिए एमटीएस और बाकी की जो अदर पोस्ट हैं, एएसओ वगैरह, मैथ हेल्पर वगैरह, स्टेनो वगैरह, ऑडिट असिस्टेंट वगैरह, उसके लिए भी ऐसे ही बेस्ट बुक्स एंड बेस्ट टीचर का एक मैं वीडियो लेके आऊँगा, तो उसको देखना मत भूलिएगा। इसी तरीके से एनबीएस जेएसए के ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल सिलेबस का वीडियो डाल चुका हूँ आज दोपहर में। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके 3 दिन लगाकर उस सिलेबस को मैंने बनाया है, देख लेना जाके, चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। कट ऑफ मैं बता चुका हूँ जेएसए का, अदर पोस्ट का भी मैं आपको बता दूंगा जल्दी। ठीक है, हो सकता है तो अभी आपको डाल दूंगा तो मिल जाएगा। प्रीवियस का पेपर हम डाय एग्जाम पर जीके चैनल पर करा चुके हैं और आने वाले सेट्स जो बचे हुए हमारे वो भी हम कराएंगे। सैलरी वगैरह मैंने सारा डिस्क्लोज कर दिया, कितनी क्या मिलती हुई। ठीक है, प्रॉपर सैलरी भी आपको दूसरा वीडियो मिलेगा, वो भी आपको मिलेगी। चलिए, तो हम सिलेबस सबसे पहले देखिए, हमको बेस्ट बुक्स और बेस्ट टीचर से पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। तो हमारे सिलेबस में जो आने वाला है, देखिए सबसे पहले रीजनिंग आएगा जो कि आपका 20 मार्क्स का रहेगा, मैथ्स आएगा 20 मार्क्स का, इंग्लिश आएगी 15, हिंदी 15, जीके जीएस करंट आएगी 30 मार्क्स की, कंप्यूटर आपका 30 मार्क्स आएगा। ठीक है, तो ये आपके 6 सेक्शन आएंगे, यहाँ तक 6 सेक्शन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, इतने इतने मार्क्स के। अब इनके लिए क्या हम पढ़ सकते हैं, कौन सी बुक को हम फॉलो करना चाहिए, कौन से टीचर्स को हमें फॉलो करना चाहिए, कहाँ से हमें कंटेंट मिलेगा, तो वो हम मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ और मैंने कैसे तैयारी की थी। सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग के ऊपर कि रीजनिंग आपकी 20 मार्क्स की आएगी। अब ये आपको पढ़नी कहाँ से है, इसके लिए बेस्ट बुक्स एंड बेस्ट टीचर क्या हो सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए एक मात्र बेस्ट बुक आती है जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रही होगी, जो कि है अरिहंत की मास्टर रीजनिंग। इसी को पढ़कर मैंने यहाँ पर सिलेक्शन लिया था और यूट्यूब से मैंने वीडियो देखे थे जो कि सर थे दीपक सर। ठीक है, इनकी एक एनटीपीसी की प्लेलिस्ट बनी हुई है जो कि आपको यहाँ पर देख रहे होंगे, मैंने इनका फोटो वगैरह सब लगा दिया। एनटीपीसी की प्लेलिस्ट है या और भी इनकी बहुत सारी प्लेलिस्ट है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने एनटीपीसी वाली प्लेलिस्ट फॉलो कर दी और उस समय ही इसका पेपर भी हुआ था और एनटीपीसी का भी पेपर चल रहा था। ठीक है, तो वो आप दीपक सर को फॉलो कर सकते हैं और अगर बुक लेना है तो अरिहंत की यहाँ पर बुक ले सकते हैं। बेस्ट बुक ये मानी जाती है, बेस्ट टीचर ये माने जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को फॉलो कर लेते हैं तो रीजनिंग का आपका यहाँ पर सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए, इसके अलावा अगर आप बोलेंगे तो मैं अपनी क्लासेस के थ्रू भी आपको यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश करूँगा, एक एक चैप्टर को मैं यहाँ पर समझा दूंगा और उसकी प्रैक्टिस करा दूंगा अच्छे से किस तरीके से होता है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसके ऊपर वीडियो लेकर आ जाऊँगा जो हमारे द एग्जाम हेल्पर जी के चैनल है वहाँ पर। चलिए, सेकेंड हमारा है दोस्तों मैथ्स। मैथ्स आपका 20 मार्क्स का आएगा। ठीक है, मैथ्स के लिए देखिए हमारे नीतेश सर हैं, क्लासेस लेके आने वाले, उन्होंने कंटेंट लगभग बना लिया है, 2-4 दिन में आपकी क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी, तो नीतेश सर की क्लासेस आपको मिलने वाली है। नीतेश सर कौन है, तो ये NIOS में ASON के असिस्टेंट ऑफ सेक्शन ऑफिसर लेवल 4, जो JSA होता है उसके बाद जो SSA बनता है लेवल 4 में अपग्रेड होके, तो वो ये जो पोस्ट है वो उसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो ये NIOS में ASO है, इन्होंने अभी आपका EMRS का एग्जाम हुआ था वहाँ पर, इन्होंने पूरी इनकी प्लेलिस्ट पढ़ी हुई मेरे चैनल पर, सेकंड चैनल पर पूरा डिटेल में पढ़ाया था और बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से पढ़ाया, तो डायरेक्ट बच्चों को एग्जाम में क्वेश्चंस वहाँ से देखने को मिले हुए थे। आप पढ़ के देखिएगा, आपको समझ में आएगा और आप कमेंट भी कर रहे थे कि सर नीतेश सर को लेके आइए, तो हमारी बात हो चुकी है और जल्द ही वो आपके बीच यहाँ पर उपस्थित होंगे। ठीक है, इसके अलावा बेस्ट बुक्स और बेस्ट टीचर कौन से हो सकते हैं, तो बेस्ट बुक्स में बोलूँगा कि RS अग्रवाल की आती है, एक बुक आती है डॉक्टर RS अग्रवाल की, एस चंद पब्लिकेशन के नाम से, तो वो आप ले सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा SSC मैथमेटिक्स राकेश यादव सर जो हैं उनकी भी एक बुक आती है, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वो बुक भी आपको मार्केट में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि कौन से टीचर से मैंने पढ़ा था, तो मैंने जो टीचर से पढ़ा था, देखिए एक तो ये है आदित्य रंजन सर है जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, जिनकी भी फ्री प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, यूट्यूब चैनल पर जाके सर्च मारेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा।
ठीक है। इसके अलावा जो मैंने पढ़ा था, साहिल सर से और राहुल देसवाल सर से, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा हूँ, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। ओके ठीक है, तो मैंने किससे पढ़ा था, मैंने राहुल सर और साहिल जो सर हैं उनसे पढ़ा था, इनकी भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है, जो इनकी एनटीपीसी की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उनको देख लेना, वहां से आपको मैथ्स पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा हमारे अभिनय सर हैं, इसके अलावा और भी टीचर, इनका फ्री कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है, और भी टीचर्स उनका फ्री इतना नहीं है, पर इनका जो है फ्री कंटेंट आपको अवेलेबल मिल जाएगा। इनकी मार्केट से बुक्स भी आती हैं, बट जो मैंने बुक बताई, जो सबसे मोस्ट पहली बुक बताई थी आर एस अग्रवाल की, वो जरूर आप ले लीजिएगा, ठीक है, वो बेस्ट बुक है। बाकी नीति सर तो आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, तो ये मैथ्स का मैंने बता दी सॉल्यूशन, आप इसमें से जो भी प्रेफर करें वो आप चूज कर सकते हैं, इसमें से क्या करना चाहिए। ओके चलिए, इंग्लिश, इंग्लिश की बात कर ले कि इंग्लिश में आपको किस तरीके से चीजें करनी है, तो 15 मार्क्स का आपका इंग्लिश आएगा, जिसमें एक सेक्शन रहेगा वोकैब का, एक रहेगा ग्रामर का, ठीक है। डिटेल सिलेबस में बहुत अच्छे से बताया किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाएंगे, वो वीडियो नहीं देखा देख लेना, इस वीडियो के एंड में आपको लगा दूंगा, ठीक है। एक तो वोकैब आएगी, एक ग्रामर आएगी, ठीक है, तो वोकैब मैं आपको कोशिश करूंगा कि मेरे नोट्स से मैं आपको करा दूं, ग्रामर भी कोशिश करूंगा कि आपको अपने नोट से करा दूं, ठीक है, वोकैब तो मैं यहां तक करा ही दूंगा। इसके अलावा अगर आपको बुक्स से पढ़ना है, तो बुक्स के लिए आप ब्लैक बुक बाय वोकैबुलरी की आती है बुक, ठीक है, तो ये बुक ले सकते हैं, ये वोकैब के लिए ब्रह्मास्त्र मानी जाती है, ये बुक ले सकते हैं। या इसके अलावा ढेर सारी मार्केट्स में बुक्स आती है, जैसे नंबर वन पर मैं रखूंगा नीतू मैम की जो बुक आती है उसको, दूसरे पे अरिहंत, तीसरे पे एसएससी की पिनेकल आती है, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर को बायफरकेट करके, मतलब उसको अलग अलग एलेबोरेट करके उसको दिया गया, बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट उसमें मैनेज किया गया, तो अगर आप वो ले सकते हैं, ठीक है, वो सारे एग्जाम में आपके काम आने वाली, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने उस समय तैयारी की थी 2019 में, तो मेरे पास ये बुक थी जो कि है परफेक्ट की बुक आती है, ठीक है, उस समय मेरे पास ये बुक थी, तो मैंने इससे तैयारी की थी, ठीक है। अभी ये बुक थोड़ी डाउन हो गई है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी नई सारी बुक्स आ चुकी हैं, वैसे ये बुक बेस्ट है अपने आप में, ठीक है, तो ये आप सजेस्ट कर सकते हैं। बेस्ट टीचर्स की मैं बात करूँ, एक तो देखिए मैं तो आपको करा ही दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे, तो बुक अब तो मैं यहाँ तक कराने वाला हूँ। बेस्ट टीचर बताऊँगा तरुण ग्रोवर सर हैं, ठीक है, कौन है, तरुण ग्रोवर सर हैं, जो कि आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, चैनल यूट्यूब पर सर्च बार में डाल देना तरुण ग्रोवर सर, वहां से आप उनको सर्च मारेंगे, चैनल उनका आ जाएगा, वहां से जाके आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पूरा डिटेल में सिलेबस करा हुआ है, ठीक है, तो वहां से आप इसे देख सकते हैं। ओके चलिए, नेक्स्ट है हिंदी, हिंदी कहाँ से पढ़े हम, तो हिंदी के लिए देखिए इसके लिए मेरी क्लास आएंगी, मैं अपने जो नोट्स हैं उसी नोट्स में से पूरा पस्ता भाई, नहीं आप ये मेरा एनबीएस उठा लो, केबीएस उठा लो, ईएमआर उठा लो, पूरा मेरे जो नोट्स हैं उससे जो एग्जाम्पल सहित क्वेश्चंस बने हुए भाई, तो वही मैं आपको कराऊंगा, वोकैब भी अपनी कराऊंगा, ग्रामर भी अपने नोट से मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कि बुक्स कौन सी होनी चाहिए, तो एक ये बुक आती है जो कि हेराल्ड की बुक है, आप इसे जो है अवेल कर सकते हैं, हेराल्ड की एक बुक आती है, काफ़ी शानदार बुक है, काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें दिया हुआ है, वोकैब वगैरह ग्रामर वगैरह सब कुछ हिंदी का इसमें दिया हुआ है, ठीक है। बाकी मैं अपने नोट से कराने वाला हूँ, मेरी क्लासेस भी अवेलेबल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्लासेस मैंने काफ़ी सारी करा रखी है। इसके अलावा एक लूसेंट की बुक आती है, मुझे वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, उसमें कंटेंट इतना नहीं दिया, अगर आपको उस किसी को परचेस करना है तो आप कर सकते हैं, हेराल्ड की बुक और मेरी क्लासेस कर लेना, बस इसमें काम हो जाएगा आपका। ओके चलिए, नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन आता है दोस्तों, वो आता है जीके जीएस वाला, ठीक है, जीके जीएस और करंट अफेयर, इसको कहाँ से करना, ठीक है, तो ये 30 नंबर का आने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो जीके जीएस के लिए सबसे पहले तो मैं अपने नोट्स जो हैं वो आपको कराने वाला हूँ, दूसरा करंट अफेयर भी मैं आपको करा दूंगा, है ना, अलग अलग बुक का जो करंट अफेयर आता है वो भी मैं आपको यहाँ पर करा दूंगा, ठीक है। बात करें इनके लिए कौन सी बुक्स हम परचेस कर सकते हैं पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा एक ही बुक है जो कि आपकी ये लूसेंट की है ना सामान्य ज्ञान, ये हिंदी में भी आती है इंग्लिश में भी आती है जो है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है ये बुक, तो आप इसको परचेस कर लीजिए। इसमें क्या हुआ है, इसमें सारे जितने भी आपके चैप्टर हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस है, कंप्यूटर है, विविध है, मिसलेनियस है, स्टैटिक जी के, सब कुछ इस एक बुक में कवर किया गया है, ये डिटेल में ये बुक है, देखिए यहाँ पर मैंने रंग के रखी है, पूरी पढ़ता था मैं तब की, ठीक है, तो इसमें पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा, एक मात्र बुक है। इसके अलावा ये बुक तो आपको पढ़नी है थ्योरी के रूप में, इसकी ही एक और आती है जो कि है आपकी ये ऑब्जेक्टिव की बुक, ठीक है, ये कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, मेरी खुद की बुक है, ठीक है, वहाँ पर आपको निशान लगे हुए भी दिख रहे होंगे, ठीक है, तो ये एक बुक आती है जिसमें पूरा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप इस तरीके से मिलता है, और इसमें चैप्टर वाइज हिस्ट्री में अकबर से कितने क्वेश्चन पूछेगा इस तरीके से इसमें पूरा कुछ क्वेश्चन करके दिए हुए, तो आप ये लूसेंट की ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, ठीक है, एक थ्योरी लेनी है, एक ऑब्जेक्टिव लेनी है। इसके बाद और आपको पढ़ना है कि अगर दोस्तों आपको पढ़ना है कि हमें ये वाली बुक थोड़ी डिटेल में चली जाएंगी, बहुत लंबा प्रोसेस लगेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करंट बिल्कुल मतलब डिट्टो वहीं से क्वेश्चन उठ गया है, तो आप ये एसएससी की पिनेकल ले सकते हैं, इसका फिफ्थ एडिशन भी शायद आ गया, मेरे पास थर्ड एडिशन है इसका, एसएससी पिनेकल का सामान्य ज्ञान का हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, मेरे पास थर्ड एडिशन है इसका, लेटेस्ट मार्केट में फिफ्थ एडिशन आ चुका है, वो आपको लेना है तो ले लेना, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें जो जो भी आपके क्वेश्चन दिए गए ना, देखिए भाई इतना सटीक तरीके से आप देख सकते हैं,
पूरा मतलब वाइफ बारकेट करके कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए, और जो TCS एग्जाम लेती है वही NTA के क्वेश्चन सारे वही है, घूम करके कोई भी कंपनी एग्जाम ले ले वो सिलेबस से तो छिड़का नहीं कर नहीं सकती। और इसमें इतने शानदार तरीके से कंटेंट दिया ना, क्वेश्चन दिया, आंसर दिया, उसका डिस्क्रिप्शन दिया है वहीं की वहीं, वो पूरा अलग अलग तरीके से, जिसमें जो मैंने आपको टॉपिक बताया था डिटेल सिलेबस पूरे आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। तो ये आप परचेस करना तो ये कर लेना, बेस्ट होता है, ठीक है। मैंने आपको सारे ऑप्शन दे दिए, मैं तो आपको कराने वाला हूँ अपने नोट्स, है ना, करंट अफेयर भी आपको कराने वाला हूँ ये भी बता दिया, ठीक है। करंट अफेयर के लिए मैंने बुक आपको सजेस्ट करूँगा, सबसे पहले तो स्पीड आती है, ठीक है, सदाबहार बुक है, इसको आपको पढ़ना ही पड़ना है, ठीक है, ईयरली आती है, ठीक है, तो उसको ले लेना। मैं अभी लेटेस्ट ही लेके आया था, देखिए मैं खुद भी पढ़ते रहता हूँ तो मैं लेटेस्ट लेके आया था, ये आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक उत्कर्ष की आती है जो कि मेरी फेवरेट है और मैं काफ़ी ये पढ़ता हूँ उत्कर्ष की बुक, है ना, तो उत्कर्ष की फूल पत्ती वाली आती है बार्स के अंक 2023। इसके अलावा इनकी मंथली बुक भी आती है जिसमें अभी मार्च 2024 यानी फरवरी की ये बुक है, फरवरी वाली पे मार्च लिखा होता है, तो एक फरवरी से अभी मार्च की आ जाएगी क्योंकि अप्रैल में आपको मिलेगी। मंथली भी आती है, ईयरली भी आती है, हाफ ईयरली भी आती है, जो आपको चाहिए बुक लेना, जो मैं पढ़ता हूँ वो आपको बता रहा हूँ, बस इतना कर लो, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आपको लेना है लो, मत लेना मत लो, ठीक है, कोई मेरा कुछ नहीं आता, ये मेरी खुद की बुक है, पर्सनल बुक, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक नहीं है, काफ़ी डली हुई है मेरे पास, देखिए एक ये डली हुई है, ये आपकी दिसंबर 2023 की, ठीक है, मेरे पास काफ़ी सारी बुक्स चली हुई है ना, मेरे पास बहुत सारी है, मैं इनसे पढ़ता हूँ, जो मैं पढ़ता हूँ वही आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो GKG इसके लिए मैंने ही बता दिया आपको, इसके अलावा मैंने ऑलरेडी क्लासेस ले रखी हैं, आप देख सकते हैं उसमें जाके किस तरीके से मैंने कंटेंट पढ़ा हुआ, मेरे नोट्स से नोट्स के पता इतने रजिस्टर है मेरे पास इतने GK के, तो वो मैं आपको वहाँ से करा दूँगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा GK वाला सेक्शन, ठीक है, कमेंट में कर देना कोई भी डाउट हो इसके अलावा, तो ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद जो हमारा लास्ट आता है दोस्तों, वो आता है आपका कंप्यूटर सेक्शन। कंप्यूटर सेक्शंस के लिए जो एक शानदार बुक आती है जो कि ऑलराउंडर बुक है, इस बुक से लगभग आपका 60-70% क्वेश्चन इस बुक से फंस जाते हैं, दैट इज लूसेंट, ठीक है। ये अगेन लूसेंट की बुक है, कंप्यूटर की बुक आती है, जो मैंने आपको ये लूसेंट कराई ना, इसमें भी वही कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है, पूरा। ये एक अलग से बुक आती है, छोटी सी 30-40 रुपए की एक बुक आती है लूसेंट की, ठीक है, ये ले सकते हैं। इसके अलावा परीक्षा बंधन की एक बुक आती है, वो आप ले सकते हैं, या इसके अलावा मैंने ढेर सारी क्लासेस करा रखी हैं और उन क्लासेस से भाई डायरेक्ट आप कोई सा भी एग्जाम उठा लो, डायरेक्ट क्वेश्चंस मिले, ठीक है। अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो 15-16 क्वेश्चन मेरे उस वीडियो से ही मिल गए, ठीक है। तो ये सारे जो एक मैराथन ली थी KVS में, ठीक है, आपको किसी को याद हो, कोई पुराने स्टूडेंट हो, पूरे भाई 20 क्वेश्चन में से 15-16 क्वेश्चन डायरेक्ट मिल गए थे, एक ही वीडियो में, 2 घंटे की वीडियो, 15-16 क्वेश्चन डायरेक्ट मिल गए थे, ठीक है। तो वो मैं आपको करा दूँ, क्योंकि इसके अलावा भी मेरे पास मेरे नोट्स हैं और भी अदर बुक्स हैं, जैसे कि एक निर्माण की IAS की बुक आती है, इसका इसमें भी कंटेंट है कंप्यूटर का, ठीक है, ये बुक्स हैं। तो यहाँ से आप, मैं सजेस्ट करूँगा ये इस बुक को ले लें, और बाकी की जो MS Word, MS Excel वगैरह, वो आपको प्रैक्टिकल करना होंगे, वो मैं आपको प्रैक्टिकल इसकी तैयारी करा दूँगा, तो वहाँ से आप उस चीज़ को देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका कौन सा, कंप्यूटर वाला सेक्शन, ओके। इसके अलावा देखिए, ये हो गया कंप्यूटर वाला सेक्शन, एक सेकंड रुकिएगा, है ना, ठीक है, चलिए। तो ये हो गया आपका कंप्यूटर वाला सेक्शन, सारे ही बेस्ट बुक्स एंड बेस्ट टीचर कौन से होते हैं मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, जो आपको लेना है, सजेस्ट करना है, वो आप अपने हिसाब से चूज कर लेना, पहले पढ़ के देख लेना, समझ में आता है तो कर लेना, ठीक है, उस तरीके से आप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे मेन है भाई, मॉक टेस्ट, ये तो आपको देना ही देना है, इसके अलावा सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि भाई यहीं से तो पता चलेगा ना कि आपने कितनी तैयारी की है, कितना आपका स्कोर बन रहा है, आपका आपने जो टॉपिक पढ़ा है उससे क्वेश्चन बनना है कि नहीं बने, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है भाई, है ना। अगर आप ऑनलाइन उसका एक मॉक टेस्ट लगा के नहीं दोगे तो कैसे आपको पता चलेगा, तो ये जरूरी है भाई, ये लगा लेना। अभी ऑफर भी चल रहा है IPL की सेल में, आप देख सकते हैं IPL की सेल का ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको 699 वाला पास मात्र 299 मिल जाएगा। इस पर भी डिस्काउंट चाहिए तो V1NW47 जो मेरा कूपन कोड है वो आप यूज़ कर देंगे तो उस पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन। इसमें NVS के जितने भी एग्जाम है ना, जितने भी 13 जो प्लस पोस्ट बताइए सारे मिलेंगे। इसके अलावा ऑल इंडिया में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सारे आपको इस एक पास के अंदर कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो पास प्रो लेना, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी उसी में मिल जाएंगे भाई, प्रीवियस ईयर के जो पेपर है ना वो भी उसको उसमें आपको मिल जाएंगे, विद सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। तो वो जरूर ले लेना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये तो भाई लेना ही लेना मॉक टेस्ट, इसके अलावा सोच रहे हैं सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि ये तो मेन चीज़ है भाई, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा हम पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं, हमारी तैयारी कितनी है, तो ये चीज़ आपको करना। तो दोस्तों ये वीडियोस था, ठीक है, मैंने आपको लगभग सारी जानकारी NVS जैसे बेस्ट जोक्स एंड बेस्ट टीचर के बारे में दे दी। डिटेल सिलेबस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, कट ऑफ भी बता चुका हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर एक सेट करा दिया, बाकी आगे आने वाले मिल जाएंगे आपको, सैलरी बता चुका हूँ, आगे एक और वीडियो आएगा तो वो देख लेना। NVS का किस तरीके से कल्चर रहता है, क्वार्टर्स कैसे मिलते हैं, डेली रूटीन्स क्या होता है, खाना कैसा मिलता है, पूरा वीडियो आगे आने वाला है। मैं अपनी जर्नी दिखाऊंगा किस तरीके से मैं गया था, मेरी पोस्टिंग कितनी दूर थी, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ आगे आने वाले वीडियोस में। और तैयारी तो कराने वाला हूँ, जो हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल है द एग्जाम हेल्पर GK पर, तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो है ना, वो बाकी सारी जो क्लासेस मैंने आपको बताई ना, ये सारी मिल जाएंगी, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, कोई डाउट है कमेंट कर देना,
दोस्तों को शेयर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।